हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है हम फिर जो है डायमेंशन ज्योमेट्री का सर्किल का जो है टॉपिक, इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच इज पासिंग थ्रू, फाइंड द सर्किल ऑफ द विच इज पासिंग थ्रू 1 - 2, 4, 3 एंड हुज सेंटर लाइज ओवर लाइज ऑन 3x + 4y = 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू द 1, 2, 4, 3 एंड हूज सेंटर लाइज ऑन 3x + 4y = 7। जैसे इक्वेशन है ये x² + y² + 2gx + 2fy, ये +c = 0 वाली इक्वेशन ऑफ सर्किल है। लेट इक्वेशन ऑफ द सर्किल इट पासेस थ्रो किससे पास हो रही हो, 1 - 2 एंड 4 - 3। अब क्या करूँ, x की वैल्यू इससे अगर इससे पास हो रही है तो इसकी एक बार इसकी वैल्यू, एक बार 4 - 3 की वैल्यू हम जो है रख सकते हैं। तो क्या देखिए, इसमें रखो 1 - 2 क्या होगा, 1 + 2 - 2g (1) + 2f (-2) + c = 0। 1 + 2g - 4f + c = -5। सिमिलरली किससे पास होगी जा रही है, 4 - 3 4 - 3 4 + 2g (x) एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 + 2f। वाई की वैल्यू कितनी है, -3 + c। ठीक है, आ गया 4 + 9 + 8g - 6f + c = 0। 8g - 6f + c = -3। सेकंड और इसका जो है ये इससे पास हो जा रही है, इसके लाइफ के सेंटर से पास हो जा रही है, फर्स्ट इज सेंटर। इसका सेंटर क्या है, -g को f। इसका इक्वेशन का सेंटर कितना है, इसका -g - f। सेंटर इसका कितना है, सेंटर है -g - f। एक्स की वैल्यू -g लिख लेंगे, वाई की वैल्यू f। तो क्या आ गया, इस वे -3g - 4f = 7। ये थर्ड देखो भाई, अब ये कितनी इक्वेशन गिवन हो गई,
ये हो गई वन, ये कितनी हो गई, दो हो गई, ये थर्ड हो गई। अब इनको तीनों को सोल्व कर लूँगा, इसमें जो है जी एफ सी की क्या निकाल लूँगा, वैल्यू निकाल लूँगा, जो जी एफ सी की वैल्यू आ जाएगी उसको यहाँ पुट कर दूँगा, दैट इज आर द रिक्वायर्ड, दैट इज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन ये पहली, दूसरी, तीन ही अननोन है जी एफ सी और तीन ही लीनियर इक्वेशन है, इट इज ईजी टू सॉल्व दिस। ठीक है, पढ़ लो सॉल्व इसको, करो। निकाल लेना इसको, ऑन कर देगा। क्या है अब इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हैविंग given end points having given end points having equation of a circle having given end points of a chord which subtended of a chord which subtended which substandard given angle at the given angle at the circumference, given angle at the circumference। देखो ये circle है, ये इसकी कोण है, ये इसका एंगल मान ले ये बना रहा है, ये मान ले कौन सा एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। एक मान ले एंगल ये बना रहा है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये थीटा बना रहा है, और ये यही कर लो। लेट लेट एक और let a chord let a chord a b a chord a b a chord एक भी एक chord है, a की जो coordinate है वो x1 y1 है, b के जो coordinate है कितने हैं, x2 y2, b के coordinate कितने हैं, x2 y2 है। जो जो ए बी है, जो जो ए बी है सबस्टैंडिंग एंगल थीटा कर रहा है, यहाँ सबस्टैंडिंग एंगल थीटा कर रहा है, लेट द एंगल सबस्टैंडिंग एंगल कर रहा है थीटा कर रहा है, अच्छा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसका निकाल रहा हूँ, इसको ए पी का स्लोप निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ इसका, ए पी का स्लोप निकाल लूँ, और फिर क्या निकाल लूँ, बी पी का, बी पी का स्लोप निकाल लूँ, ए पी का स्लोप, और फिर क्या कर लूँ मैं, बी पी का स्लोप निकाल लूँ, तो इसका क्या आ जाएगा, ए पी स्लोप ऑफ, ए पी स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ ए पी, स्लोप ऑफ ए पी क्या रहेगा, वाई माइनस y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स, यानी m1 आ जाएगा, m2 स्लोप ऑफ bp, y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स, ये m2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा m2, तो इनके बीच tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। अगर एम वन और एम टू की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो ये फार्मूला जाएगा, क्या फार्मूला जाता है वो, ये फार्मूला ये होता, ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है फार्मूला एक्स माइनस एक्स वन, क्या होता है वो x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन, ये होता है x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन, x माइनस एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस कोस थीटा, प्लस माइनस कोस थीटा एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स टू क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स टू माइनस क्या है वाई माइनस वाई टू और x माइनस एक्स वन, ये क्या रहेगा एक्स टू माइनस एक्स वन क्या रहेगा एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस वाई माइनस वाई टू टू cot थीटा प्लस माइनस कोस थीटा वाई वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स वन और वाई माइनस वाई टू, इसका ये फॉर्म रहेगा। ठीक है, अब इसका जो है अगर मान ले कोई एंगल है जो कोड जो है कोई एंगल बना रही है तो इसका ये इक्वेशन का स्पेशल केस है, क्या है सर्किल की इक्वेशन का ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, जैसे इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग गिवन ए पॉइंट ऑफ डायमीटर, क्या क्या इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हैविंग गिविंग अ पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हैविंग गिविंग एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर, गिविंग एंड पॉइंट। अब मान लीजिए जो ये कह रहा था ये ये एक डायमीटर है, ये जो है ये कहाँ है, ये यहाँ बन रहा है, ये डायमीटर कितने पर बनता है 90 डिग्री पर बनता है, कितने बनता है ये 90 डिग्री, द सर्किल इन इन सेमी सर्कल द एंगल विल बी सस्टेंड 90 डिग्री, यही कह दो ए डायमीटर
डिवाइड सर्किल इन टू इक्वल पार्ट दैट इज कॉल्ड द सेमी सर्किल. सेमी सर्किल हैव जनरेट इन 90 डिग्री. दैट इज 90 डिग्री. इट मीन्स इफ थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90, देन वी हैव इक्वेशन. इट मीन्स इफ थीटा इज इक्वल टू 90, इट मीन्स वी हैव इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू कोट 90 प्लस माइनस कोट 90 वाई माइनस वाई वन कोट 90 की वैल्यू कितनी है? जीरो है. कोट 90 की वैल्यू कितनी है? जीरो है. तो कोट 90 की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई. तो क्या आ गया ये? एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू ये आ गई. दैट इज ये आ गई. इसकी आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा इसका जीरो आ जाएगा. इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. ये आ जाएगी क्वेश्चन एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस इज इक्वल टू. अच्छा एक अब क्वेश्चन है. क्या है जैसे फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू. फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू लैम्डा बीच फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू विच विच कौन सी इक्वेशन है ये? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स वन माइनस लैम्डा वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो. क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस वन माइनस लैम्डा वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हूज रेडियस इज हूज रेडियस इज एक्सीड फाइव हूज रेडियस इज एक्सीड फाइव. देखो ये एक सर्किल की एक क्वेश्चन दे रखी है और सर्किल की जो है रेडियस है क्या है? रेडियस है इरेक्सीड फाइव. रेडियस क्या दे रखी है? इरेक्सीड फाइव. रेडियस क्या होती है सर्किल की? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. क्या होती है ये? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन फाइव.
अब जी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस लैम्डा बाई टू, क्या आएगा माइनस लैम्डा बाई टू, माइनस क्योंकि लैम्डा बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एफ वन माइनस, हाँ वन माइनस लैम्डा बाई टू का होल स्क्वायर, वन माइनस लैम्डा बाई टू का होल स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू इज लेस देन फाइव। ये क्या आ गया, ये सी, सी की वैल्यू क्या है फाइव, ठीक है, लैम्डा का स्क्वायर प्लस फोर प्लस वन प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू लैम्डा अपॉन फोर माइनस फाइव, फोर इनका एलसीएम ले लूंगा, लैम्डा का स्क्वायर प्लस वन प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू लैम्डा फोर फाइव ट्वेंटी, फोर फाइव ट्वेंटी क्या है लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर क्या रहेगा टू लैम्डा का स्क्वायर प्लस यानी माइनस टू लैम्डा माइनस नाइनटीन अपॉन टू इज लेस देन फाइव। ये आ गया भैया, इसका स्क्वायर कर दूंगा, क्या कर दूंगा ये तो क्या आएगा टू लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू लैम्डा माइनस नाइनटीन अपॉन फाइव इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, टू लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू लैम्डा इक्वल वन हंड्रेड नाइनटीन, यानी टू लैम्डा इक्वल टू वन हंड्रेड नाइनटीन। इसे इधर ले आऊंगा, क्या आएगा टू लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू लैम्डा माइनस वन नाइनटीन इज ग्रेटर देन टू जीरो। ये आ गया, फिर ये आ गया ए ही है ना, जरा सारे फॉर्मूला ही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, टू लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू लैम्डा माइनस के वन नाइनटीन। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ से, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस 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 बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सी की वैल्यू अपॉन टू ए ए टू माइनस माइनस प्लस फोर, तो क्या आएगी फोर प्लस नहीं माइनस माइनस प्लस टू प्लस माइनस फोर चार में आठ, इसको सोल्व करें क्या आ जाएगा ये आ जाएगा वन
लैम्डा इज इक्वल टू वन प्लस माइनस लैम्डा की आ गई वैल्यू वन प्लस माइनस 139 230 लैम्डा इक्वल टू और इधर 200 क्या गया 239 तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आई लैम्डा की वैल्यू अभी ये यहाँ की ये तो प्लस में आ जाएगी यहाँ से एक क्या आ जाएगी माइनस में ये क्या आ जाएगी यानी एक आ जाएगी वन प्लस रूट 239 एक क्या आ जाएगी वन माइनस 239 यानी कि लैम्डा की वैल्यू दो ये बिलोंग्स करेगी कहाँ तक बिलोंग्स करेगी ये करेगी लैम्डा की वैल्यू 1 माइनस 239 अपॉन 2 एक करेगी 1 प्लस 239 अपॉन ये यहाँ से यहाँ तक की लाइव करेगी अल्फा की लैम्डा की यहाँ से लैम्डा की वैल्यू लाइव करेगी और ये 239 किसका अप्रोक्सीमेटली होता है 200 अगर 25 होता तो किसका होता है लाइव कितने किसका होता है स्क्वायर रूट 15 वन माइनस 15 कितना होता है 14 अच्छा ये 15 से अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा होगा 15 से इसका होगा 7 point something 12 या 7 point इस तरह हो जाएगा क्या आ जाएगा 7 point 2 something आ जाएगा क्या आएगा 7 point 2 something आ जाएगा अच्छा एक इनकी 15 क्या आएगा 15 point 2 something आ जाएगा ये तो 15 minus 14 तो 7 point something आ जाएगा क्या आ जाएगा 7.21 या इस तरह कोई समथिंग आ जाएगा क्या आ जाएगा ये समथिंग ये कि आ जाएगा माइनस और माइनस के 7.2 something इस तरह लैम्डा इधर क्या आ जाएगा ये 1 plus 200 ये भी इसमें प्लस हो जाएगा ये जाएगा 8.2 something ये ना 15 अरे 16 point का हाफ करा तो क्या आएगा 18.2 something के इक्वल आ जाएगा यानी कि लैम्डा की वैल्यू जो आ गई लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यानी कि लैम्डा की वैल्यू ये अप्रोक्सी -7 -6 -4 up to 8 7 यहाँ तक ही लैम्डा की वैल्यू आ गई ये क्या आ गई लैम्डा की वैल्यू यहाँ आ गई अब क्या करा है अगर इसकी रियल वैल्यू है इंटीजर की फाइंड द अगर इसकी है तो क्या आ जाएगा ये जी स्क्वायर क्या आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो क्या आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो तो जी की वैल्यू क्या रख दूंगा यहाँ ये क्या रख दे जी स्क्वायर जी वैल्यू क्या है लैम्डा पॉइंट टू का स्क्वायर प्लस वन माइनस लैम्डा पॉइंट टू का स्क्वायर माइनस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो ये क्या है लैम्डा का स्क्वायर फिर वही खोल लिया ये आ गया भैया इसको फिर इनका एलसीएम ले लेंगे ये लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर टू लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा फोर टू 20 - 1 क्या आएगा टू लैम्डा स्क्वायर क्या आ गया टू लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा ये आ गया माइनस के 90 क्या आएगा टू लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू लैम्डा माइनस 19 इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है एलसीएम 20 इधर आगे जुड़ा जाएगा ये ठीक है अब क्या कराया मैंने ये है टू लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू लैम्डा माइनस 19 इज ग्रेटर देन जीरो इसको मैंने सोल्व कर लिया धराचार्य से धराचार्य करो क्या आ गया लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आ गया लैम्डा इक्वल टू माइनस माइनस टू
प्लस माइनस माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सी वैल्यू टू, ये प्लस आ जाएगा अपॉन टू ए, ए की वैल्यू टू। इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे क्या जाएगा बोलो, यहाँ से भी लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएंगी इस तरह, यहाँ से भी लैम्डा की दो वैल्यू इस तरह जाएंगी। क्या आएगी लैम्डा की दो वैल्यू, ये आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू वन माइनस थर्टी नाइन अपॉन टू, यानी वन प्लस थर्टी नाइन अपॉन, दो लैम्डा की वैल्यू आ गई वन माइनस थर्टी नाइन अपॉन टू, वन प्लस थर्टी नाइन अपॉन टू। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से देखो एक आ जाएगी सिक्स, यहाँ से लगभग सिक्स के, सिक्स पॉइंट एट के अप्रोक्सीमेटली माइनस वन, तो क्या आ जाएगा फाइव, फाइव एट क्या आएगा फाइव पॉइंट, क्या आएगा ये फाइव पॉइंट, और ये सिक्स प्लस वन, सिक्स प्लस वन, ये क्या आ जाएगा सेवन अपॉइंट टू, हाफ साढ़े तीन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कि माइनस फाइव, माइनस फाइव माइनस की क्या आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली फाइव पॉइंट सिक्स, मतलब जाके फाइव सिक्स पॉइंट समथिंग माइनस फाइव टू पॉइंट फाइव आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा सिक्स पॉइंट समथिंग, यानी कि सिक्स पॉइंट समथिंग, सिक्स पॉइंट सेवन एट एट समथिंग प्लस वन, क्या जाएगा ये सेवन पॉइंट एट के, यानी थ्री क्या जाएगा ये फोर पॉइंट के अप्रोक्सीमेट, थ्री पॉइंट के इक्वल आ जाएगा। अच्छा अब अगर इसको और इसकी वैल्यू को, इसको और कहानी कर लीजिए मैंने, ये इनको, इनको दोनों को अगर मैं देखूंगा ये कंपेयर में क्या आ रही है, इन दोनों को कंपेयर करके इन दोनों के बीच की क्या आ रही है, दोनों के बीच की आ रही है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस सेवन, लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस सेवन, माइनस सेवन माइनस सिक्स क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सिक्स सेवन एट। देखो ये जो जितनी भी ये वैल्यू है इसके अंदर ये रखी है, ये हाँ ये बीच की है, ये यहाँ की, ये यहाँ की, तो इसकी बीच की वैल्यू, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस अप टू माइनस फोर माइनस थ्री अप टू एट तक के, इसकी जो है लैम्डा की है वैल्यू है। इसके जो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा भी, ये कोई इक्वेशन दे रखी है जिसकी रेडियस है एक्सीड, पहले उसकी रेडियस निकाल लेंगे, ये जी क्या ये फाइव से ज़्यादा है, अगर ये फाइव से ज़्यादा है रियल है तो एक फिर इससे इस्तेमाल कर लें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये इस तरह करते करते वैल्यू रखी है, धराचार्य फॉर्मूले लगा के आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू माइनस सेवन, इसकी वैल्यू क्या आ गई दूसरे वाले की, ये आ गई वन प्लस वन प्लस माइनस थर्टी नाइन अपॉन रूट टू, तो जो ये लैम्डा की वैल्यू है जो इसके बीच में है, तो हैंस द लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस सेवन सिक्स माइनस फोर अप टू माइनस सेवन टू एट तक के आ जाए। अब देखो आगे क्या है,
क्या है द पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ ऑन अ सर्किल नियरेस्ट इफ द पॉइंट ऑन ए सर्कल nearest to the point q1 nearest to a point q1 nearest if the point on a circle nearest to the point q1 in the distance for unit in a distance 4 units and the farthest point is and the farthest point is 6 5. Find the equation of the circle. If the point on a circle of a nearest to the point 2 1 in a distance is 4 unit and the farthest point 6 5, find the equation of the circle. मान लिया ये कोई पॉइंट, ये कोई सर्कल है. इस सर्कल फाइंड द पॉइंट ऑफ द नियरेस्ट टू ए पॉइंट 2 1. इसके ये 2 1 के कोई नियरेस्ट पॉइंट है, ये है एच के. एंड फार्थेस्ट टू द 6 5, नियरेस्ट 2 1 के है, फार्थेस्ट के है इसके है. और गिविन दे रखा इसकी डिस्टेंस इज 4 यूनिट. डिस्टेंस इज 4 यूनिट गिविन दे रखा. डिस्टेंस इज 4 यूनिट. इट मींस ये मान लिया पी है, ये ए है, ये बी है. इस डिस्टेंस इज गिवन. ए पी मीन्स ए पी इज इक्वल टू 4 यूनिट, यानी नियरेस्ट की डिस्टेंस है ए पी इक्वल टू 4 यूनिट है. अच्छा, ए पी की यूनिट कितनी है? डिस्टेंस की 4 यूनिट है. इसकी फॉर्मूला क्या आएगा? अच्छा, इसका मैं क्या निकाल लेता हूँ, मैं इसका जो है वो निकाल लेता हूँ. ये पी बी कैस का जो डाईमीटर है, पी बी कैस का जो डाईमीटर है, पी बी कैस का जो डाईमीटर है, अच्छा इन दोनों को पहले डिस्टेंस निकाल लेता हूँ मैं. ए बी की, ए बी की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या निकाल लेता हूँ? डिस्टेंस ऑफ ए बी मान ले, ए मान ले, फिर मान लूंगा डिस्टेंस ऑफ पी बी. डिस्टेंस ऑफ पी बी, डिस्टेंस ऑफ पी बी, पी बी क्या आ जाएगा? ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी? 6 - 2² + 5 - 1² इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? 4² + 4²
कितना आ गया 32, 16 × 32 यानी 4√2, 4√2 आ गया, क्या आ गया 4√2। अच्छा बी का देखो, बी के लिए ये जो है इस सर्कल का जो फार्थेस्ट पॉइंट है, यानी कि पी जो है इसका, ये तो जो क्या आ गया, ये तो नियरेस्ट पॉइंट है, ये क्या है इसके फार्थेस्ट पॉइंट है, तो नियरेस्ट है फार्थेस्ट, तो इसका क्या आएगा, ये इसका डायमीटर कहलाएगा, देन ए बी विल बी कॉल्ड देयर डायमीटर, देन वेयर, देन बिकॉज बी इज द, बिकॉज बी इज द क्या है फार्थेस्ट पॉइंट है, ए इज द क्या है नियरेस्ट पॉइंट है, देन पी ए बी क्या है पी बी विल बी टू द क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, तो ए बी विल बी टू द इसका क्या कहलाएगा, ये डायमीटर कहलाएगा, ए बी क्या कहलाएगा इसका डायमीटर कहलाएगा, ये इसका नियरेस्ट, ये इसका क्या है, ये इसका नियरेस्ट है, इसका शॉर्टेस्ट है, तो क्या गया ए बी इसका क्या कहलाएगा, इसका ये डायमीटर कहलाएगा। तो और अगर ए बी की वैल्यू निकालनी हो मुझे यहाँ से, ए बी की वैल्यू किससे निकाल लूँगा, इस सारी की वैल्यू में से पी बी क्या आ जाएगा, इस सारी की वैल्यू में पी बी माइनस पी बी माइनस पी ए, पी बी की तो वैल्यू भाई 4√2 निकाल ली, पी ए की वैल्यू 4 दोनों में कॉमन ले लिया, √2 − 1 आ गया। ये आ गया ए बी, अच्छा और ए पी कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, इन्हें दोनों को क्या कर लूंगा मैं, अभी दोनों को क्या कर लूंगा मैं डिवाइड कर लूंगा, क्या कर लूंगा मैं डिवाइड कर लूंगा, क्या जाएगा ये क्या आएगा, ए पी, ए पी है, ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू 4√2 − 1 अपॉन 4, 4 से 4 जाएगा, ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू √2 − 1, ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू क्या आ गया √2 − 1। ये आ गया। अच्छा अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालने चाहूँ, इसके कोऑर्डिनेट निकालने चाहूँ, देखो ये ए बी, ए बी अपॉन बी पी किस रेशियो में हो गई है, √2 − 1 और 1 में रह गए, ये तो m इंटू एन की रेशियो क्या आ गई, इनकी m इंटू एन की रेशियो क्या आ गई, √2 − 1 × 1, ये तो यहाँ से √2 गया, और ये है एक, ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, ये है x2 y2, क्या जाएगा mx2, क्या जाएगा mx2 nx1, मान लिया ये तो कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, मान लिया तो x1 y1 मान लिया, इसको क्या कोऑर्डिनेट मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने x2 y2 मान लिया, ठीक, और रेशियो क्या आ गई m × n, ये m आ गई और ये n आ गया, फॉर्मूले क्या होता है mx2 nx1 + mnx1, लिखे कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकाल लो फॉर्मूले से, mx2 + nx1 / m + 1, ये क्या आएगा my2 + ny1 / m + n, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, इसके क्या आ गए, इसके ये आ गए mx2 nx1 / m + n, ये क्या आ गया my2 ny1 / m + n, ये आ गया, ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू m की वैल्यू ये रही है, n की वैल्यू ये रही है, x2 x1 y1 ये रहा और x2 y2 ये रहा, निकाल लो इसकी कोऑर्डिनेट ऑफ क्या आ गए,
भाई तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए इसके, बताओ। टू प्लस टू रूट टू क्या आ गए, टू प्लस टू रूट टू और वन प्लस टू रूट टू, ये आ गए टू में क्या आ गए, ये आ गए। हेलो हो गई भाई, हेलो आ रहा जी, आ रहा तो क्या आ गया, टू प्लस टू रूट टू वन प्लस टू रूट टू क्या आ गई है, एम क्या आ गई है कोऑर्डिनेट ऑफ ये क्या आ गया, टू प्लस टू रूट टू वन, यानी इसके कोऑर्डिनेट आ गई है, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गई है, इसके कोऑर्डिनेट आ गए, तो यही क्या इसका ये डायमीटर भी है, इस डायमीटर में एक्स वन वाई वन ये है तो एक्स भी हो, और डायमीटर कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या होती है फिर वो एक्स माइनस एक्स वन क्या आ जाएगी इसकी इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स वन छ क्या जाती है, एक्स माइनस एक्स वन क्या है, एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस टू रूट टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है भैया, फाइव ये क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी, इन्हें जो है सोल्व कर लेंगे यही जो है आंसर, इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या लिखेंगे, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आता है, मान ले कोई इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ये है ये कोई इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ये इसकी रेडियस क्या है, ये a है, इसकी रेडियस क्या है, इक्वेशन ऑफ पैरामीटर क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब एक और सर्कल है यहाँ, ये क्या है, इसकी एक और सर्किल है, इसकी है एच के है, क्या इसकी है एच के है, क्या ये एच के है, ये क्या आर थीटा है, यहाँ क्या है ये आर थीटा, एंगल कौन सा बना रहा है, थीटा बना रहा है, इससे एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है एंगल थीटा बना रहा है, मान लिया ये वाली ट्रायंगल का ये आर है, ये क्या है इसकी आर है, तो इसकी क्या आ जाती है पैरामेट्रिक फॉर्म में, एच इक्वल टू के के आ जाती है, एक्स इक्वल टू ए आर ए कोस थीटा, एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा और वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा ए साइन थीटा, इसकी वो जाती है। अगर इसका सेंटर ओरिजिन पे तो क्या इसे लिख सकते हैं, ए कोस थीटा ए साइन
इधर कोऑर्डिनेट इज इट इज विद द थीटा इज कॉल्ड द पैरामीटर इज दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इज इन पी थीटा वेयर थीटा इज कॉल्ड द पैरामीटर द पी थीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा इक्वल टू ये कहना चाहिए और इस फॉर्म में क्या आता है अगर इस फॉर्म में है एक्स माइनस एच का स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर इस फॉर्म में है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या आएगा एच प्लस ए एक्स इक्वल टू एच प्लस ए वाई इक्वल टू क्या आएगा के प्लस ए ये फॉर्म में आता है एक्स इक्वल टू एच प्लस ए और वाई इक्वल टू क्या जाएगा ये के प्लस ए इस फॉर्म में ये आ जाता है जैसे एक है क्वेश्चन है Find to the equation. Find the parametric form of the equation. Find the parametric. Find the parametric form of the equation. Find the parametric form of the equation of the circle. कौन सा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस बी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी वाई अब इसको क्या कर दिया मैंने फॉर्म में इसे लिखने के लिए देखो ये लिख गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इसे इकट्ठा लिख लिया प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी वाई इक्वल टू इसे इकट्ठा लिख लिया अब क्या करता हूँ मैं इसमें दोनों में से इसमें से इसका स्क्वायर बना लेता हूँ इसे क्या बना लेता हूँ ये रखा हाफ का स्क्वायर तो ये लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन पी एक्स प्लस वन का स्क्वायर वन माइनस वन इसी तरह ये आ गया एक्स प्लस पी ये वन बाई फोर माइनस के वन बाई फोर आएगी इसी तरह ये आएगा y प्लस p बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या गए पी स्क्वायर बाई फोर प्लस पी स्क्वायर बाई फोर एक पी बाई स्क्वायर ले रहा मैंने क्योंकि क्या आएगा ये x प्लस पी स्क्वायर बाई फोर ये क्या गया एक्स प्लस पी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस पी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस
इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू, ये आ गया पी स्क्वायर बाई टू। ए प्लस आर कोस थीटा आ जाएगा, ये इसके पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू पी बाई टू प्लस क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू पी बाई टू प्लस पी माइनस पी रूट टू क्या आ जाएगा, पी रूट टू कोस थीटा माइनस पी रूट टू, यहाँ से माइनस पी बाई टू, इसका स्क्वायर आएगा p अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक लिख सकता, आ गया x के पैरामेट्रिक फॉर्म x इक्वल टू माइनस पी बाई टू प्लस पी रूट टू अपॉन कॉस थीटा, दोनों से क्या कॉमन ले लूंगा, p अगर लेना चाहूंगा तो y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से y इक्वल टू माइनस पी अपॉन टू पी अपॉन रूट टू साइन थीटा, पी इक्वल टू वन माइनस क्या आएगा, माइनस पी अपॉन रूट टू साइन थीटा। अच्छा अब इन दोनों में अगर ज़्यादा अच्छा आंसर लेना, माइनस पी दोनों में से कॉमन ले के क्या जाएगा, माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन रूट टू कोस थीटा, ये क्या आएगा, माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन रूट टू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो टू टू पाई, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो टू टू पाई, थीटा की वैसी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगी, जीरो टू टू पाई के बीच लाइक करेगी। अब मैं दो भी कॉमन ले सकता हूँ ज़्यादा ज़्यादा करा तो, या क्या है, दो में कॉमन ले टू रूट टू आ जाएगा ज़्यादा करा, जैसे है ना ये माइनस ये भी आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर। अब आगे क्या है, निकल गएगा, अरे अरे चला ले चला ले मार, चला ले शुरू करते चला ले मार, देखो अब क्वेश्चन है बेटा, जैसे क्या क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किट सबस्क्रम इक्वेशन ऑफ ए सर्कल सरकम स्क्राइबिंग circumscribing triangle and a quadrilateral, circle equation of a circle
सर्क स्क्रैम्बिंग ट्रैंगल एंड अ क्वारी लेटर। लेट लेट दो इक्वेशन है सर्किल के, यहाँ ले एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स वन का स्क्वायर प्लस बी, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, ये क्या है बी वाई वन का स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वन, टू एच वन एक्स वाई प्लस टू जी वन एक्स, टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। एक और इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू ए टू एक्स एच टू इक्वल टू ए एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन है। और ये इस सर्टिफाइड कंडीशन को ये सर्टिफाई करते हैं एस वन प्लस के एल लैम्डा एस टू, इस इक्वेशन को जो है सर्टिफाई करते हैं। इस तरह की है इक्वेशन, मान ली एक सर्कल है, ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये मान ली एल वन है, ये लाइन एल टू है, ठीक, ये लाइन एक L1 है, एक लाइन क्या है ये L2 है, और ठीक है एक ही तरह से L3 लाइन है एंड L4 लाइन है, एक क्या थ्री है L3 लाइन है, एक क्या है एक L3 लाइन है ये, ये L3 है, एक क्या है L4 है, ये क्वाड्रेटर बना रही है, ये क्या है, ये क्या क्वाड, ये भी एक क्वाड्रेटर बना रही है। अगर ये लाइन है L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3, L1 इक्वल टू जीरो और L2 इक्वल टू जीरो और L3 भी लाइन जीरो हो, ये कोई गिवन है, और L4 भी जो है, और ये सर्टिफाइड कंडीशन कर लें, क्या कर लें L1 प्लस L2, L1 L2 प्लस लैम्डा L3 L4 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो हो जा, क्या इक्वेशन आ जाएगी, वह आ जाती है L1 प्लस L2 प्लस लैम्डा L2 L1 प्लस लैम्डा L2 L1 लैम्डा L2 L3 लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इक्वल टू जीरो, ये क्या इसके इक्वेशन जो कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो और एक्स वाई कोएफिशिएंट को जो है कंपेयर करके रख लेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग करके क्या कर लेंगे और एक्स वाई कोएफिशिएंट को क्या कर देंगे जीरो रख लेंगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को जीरो रख लेंगे, ये उस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। जैसे इफ अ पॉइंट, क्वेश्चन क्या है, इफ पॉइंट ए बी आर, इफ पॉइंट ए बी आर, इफ ए पॉइंट ए बी आर वन जीरो एंड जीरो वन, इफ ए पॉइंट आर
10 and 01 एंड पी एंड सी एंड पॉइंट सी इज लाइड ऑन एंड इन इफ सी इज द पॉइंट लाइड ऑन x square plus y square इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द लोकस फॉर द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड द लोकस of the ortho center of the triangle. If the point ABR 1001 and the point is lies on the and the C point, yani C point lies on the सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन द सर्कल लाइज ऑन द सर्कल लाइज ऑन द सर्कल फाइंड द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. ये निकालना है तो किससे निकालेंगे भाई? देखो भाई, ये एक सर्कल है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ ये सी है. ए है, ए बी सी. ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 0, बी के कोऑर्डिनेट हैं 0 1 और सी. सी के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मान ले अगर एंगल थीटा बना रहा तो ए कोस थीटा बी साइन थीटा, ए कोस थीटा बी साइन थीटा बन गया, ए कोस थीटा बी साइन थीटा बन गया. लेट सी कोऑर्डिनेट इज, लेट सी इज इक्वल टू ए कोस थीटा बी साइन थीटा. ये ऑन है और एच जो है इसका ऑर्थो सेंटर है. एच इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एच इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द सर्कल है. अच्छा, इसका सर्कम सेंटर क्या आएगा? इसका सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? 0 0. सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? 0 0. सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या जाएगा? 0.0 आ जाएगा, 0.0 आ जाएगा सर्कम सेंटर ऑफ द सर्किल. ये यहाँ मान ली ए, सर्कम सेंटर ऑफ द क्या जाएगा? ये 0 आ जाएगा. ये क्या जाएगा? सर्कम सेंटर ऑफ क्या जाएगा? इसका 0 0 आ जाएगा. अच्छा, और इसके ये जो एच के है, मान लिया इसके क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर एच के. एच इज इक्वल टू क्या जाएगा? ए प्लस आर कोस थीटा, ए प्लस साइन थीटा. क्या जाएगा? ये 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा जाएगा. एच के क्या जाएगा? एच के इक्वल टू क्या जाएगा? 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा. तो इसका सर्कल का इक्वेशन क्या जाएगा? तो हैंस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा? ये ए स्क्वायर. क्या जाएगा? ये ए स्क्वायर. किस तरह जाएगा यहाँ से? देखो ये है ना, h इज इक्वल टू क्या आएगा? h इज इक्वल टू 1 प्लस
cos थीटा, तो h माइनस वन इक्वल टू cos थीटा। ये क्या आएगा यहाँ से k माइनस वन, यहाँ से क्या k माइनस वन इक्वल टू साइन थीटा। इन्हें दोनों से स्क्वायर कर लेंगे, h माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस k माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। h h h की वैल्यू क्या रखेंगे, h माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर वन। ये आगे x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर। देखो ये क्या है, ये पॉइंट था इसका, ये जो ए बी जो है इस पर लाइन कर रहे थे ये, और सी के जो कोऑर्डिनेट है ए cos थीटा बी cos थीटा मान लिया। इसका सर्कम सेंटर, क्योंकि ये सेंटर ओरिजिन पर होगा, इसका सर्कम सेंटर कितना आ गया, जीरो जीरो जीरो। और इसका ऑर्थो सेंटर क्या आ गया, एच के वन प्लस cos थीटा वन माइनस वन ए आर ए प्लस आर cos के प्लस बी साइन थीटा, हो ये आ गया। तो इसका जो है ये एक्स एच के एच इसके इक्वल हो जाएगा, के इसके इक्वल हो जाएगा जब इसके है, तो उन्हें दोनों तरफ का स्क्वायर करके जोड़ दिया, और एक्स और एच की वैल्यू केयर के आगे क्या आ गया, एच माइनस वन का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर वन। दैट इज वॉट इट इज द आंसर। इस तरह हम जो है ये आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ लक।